हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप लोग का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग लेके आए हैं जो देखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि देखने में कितना ऑसम लग रहा है। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हम लोग का ओरिजिनल पिक्स। तो इस पिक्स को हम लोग के लिए चलेंगे सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से शेयर करते हैं दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इस पिक्स को। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का ओरिजिनल पिक्स। इस पिक्स में हम लोग एक प्रीसेट का यूज करेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये रहा हम लोग का प्रीसेट, इसको यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देंगे। अपने ओरिजिनल पिक्स पे आके यहाँ पे आप पेस्ट सेटिंग कर देंगे। अभी एक क्लिक में हमारा फोटो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, आप लोग देखिएगा। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस टाइप का एडिट हो चुका है। अब इस फोटो को हम लेके चलेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से हम शेयर करते हैं अपने इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इधर करेंगे जो सिंपल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इधर लास्ट में आएंगे। लास्ट में आने के बाद लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला है देखेंगे सेचुरेशन, इस पर क्लिक करके इसके अमाउंट को फुल्ली बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद वही प्रोसेस फिर से करेंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन जाएंगे, सिंपल पर जाएंगे और इधर लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसके अमाउंट को फिर से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अभी यहाँ पे इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे रखेंगे, अपने फेस उस पर हटा लेंगे इफेक्ट। इतना हो जाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले इस वाले कलर्स पे आएंगे और इसका सेचुरेशन हम लोग कुछ इस तरह से इतना रख देंगे। इतना रखने के बाद इसको ओके कर देंगे और फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर कलर्स वाले पर। इस बार इसका सेचुरेशन हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कट करके फिर उसके बाद इस पर इसको पहले हरा करेंगे। हरा करने के बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको इतना पिंक कर लेंगे। पिंक करने के बाद इरेजर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद ये टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, सेचुरेशन को फुल्ली इंक्रीज कर लेंगे, क्लियरिटी को भी, टेक्सचर को भी, यहाँ से करके भी इसको भी बैकग्राउंड कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से फिर ओके कर देंगे। फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कलर्स पे जाएंगे, इसके कलर को थोड़ा हम लोग यहाँ से पिंक करेंगे। इतना करने के बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और वही प्रोसेस इस पर भी करेंगे। अब इसको हम लोग कुछ
इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद सेव कर लेंगे और पीछे के बैकग्राउंड को हम लोग आप लोग ब्लर कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट कीजिए, हम ब्लर करना बता देंगे। और अभी इस फोटो को सेव कर लेंगे और इसको ऑटोडेस्क में जाके फेस स्मूथ कर लेंगे।